नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ एचटी न्यूज से। इको गार्डन धरना स्थल जुड़ी हुई एक खबर आई है जहाँ पे दिव्यांग जन विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि भारी संख्या में धरना स्थल पर लोग कफन ओढ़े लेटे हुए हैं। ये जन कल्याण विकलांग समिति के कुछ लोग हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ हम लोग इको गार्डन पे हैं। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ। और विकलांगों की क्या समस्या, ये इनके अध्यक्ष जानते हैं कि किन समस्याओं को लेकर के यहाँ धरने पे बैठे हैं, बताइए। हाँ, हम विकलांग प्रबंधक राम विजय चौहान, ग्राम बिखईपुर, पोस्ट बरियाबा, जनपद गाजीपुर, यूपी से है। महोदय, हम मुख्यमंत्री जी से मुख्य मांगे लेने आए हैं कि हम 12 अगस्त को यहाँ पे भारत सरकार अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हमको एक आवेदन मिला। उन्होंने थावरचंद गहलोत के द्वारा उन्होंने कहा कि ये पत्रक ले जा करके अपने मुख्यमंत्री जी को दे दो। हम वही पत्रक 12 अगस्त को लेकर यहाँ आए थे तो इको गार्डन के एसडीएम और तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण यही कहे कि हम 15 दिन के अंदर हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और आपका ये आवेदन भारत सरकार का उनको अवगत करा रहे हैं और आप 15 दिन के बाद फेस टू फेस वार्ता करवाएंगे। तो सुविधाएं जो आप लोगों को नहीं मिल रही है इतनी भारी संख्या में आए हुए धरना स्थल, जो दिल्ली राज्य में सुविधाएं दी जा रही है, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग सारे इसी मांग को लेकर के हम लोग इस धरना पर बैठे हैं। और हमारी ये मुख्य मांग है सर कि यहाँ के एडीएम साहब महोदय कहे कि भारत सरकार का आवेदन मुख्यमंत्री जिन विकलांगों के हाथों से नहीं लेंगे, तो ये मैं अपने मुख्यमंत्री जी से पूछने के लिए, यही भेद पूछने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि हम लोगों ने आपके साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है, या हम लोग इस देश के रहने वाले नहीं है जो हम लोगों से भारत सरकार का आवेदन हम लोगों के हाथों से ले। तो जैसा कि आपके पास जो ये ट्राई साइकिल है, ये बैटरी चलित भी आप लोगों को मुहैया कराने की पहल हुई थी, तो क्या हुआ, मिली आप लोगों को? कुछ नहीं सर, हम लोगों को बैटरी चालक साइकिल कुछ नहीं मिली है। हमारे मोदी जी का वाराणसी से सांसद बने तो वाराणसी के विकलांगों को ही जो भी बैटरी वाली ट्राई साइकिल वाली इलेक्ट्रिक वाली मिली थी, वाराणसी के लोगों को मिली है, गाजीपुर और किसी जनपद को नहीं, किसी पूरे भी उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में नहीं मिली। क्या परिचय आपका? मेरा परिचय, मैं प्रकाश तमर, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना से राष्ट्रीय प्रवक्ता, यूपी प्रदेश अध्यक्ष। हमारी योगी जी से मुख्य मांग है, योगी जी ने कहा था कि मैं यूपी को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा और हमने उसी उम्मीद से हमारे संपूर्ण दिव्यांग समाज ने, संपूर्ण हमारे जो जितने विधवा समाज और जितने भी जो बुजुर्ग समाज ने, उनको वोट किया था कि उत्तम प्रदेश योगी जी को बनाएंगे। हम योगी जी से कहना चाहते हैं हमारे लिए उत्तम प्रदेश तब होगा जब सबसे उत्तम पेंशन हमारी उत्तर प्रदेश में होगी और 4% कोटा हमको निजी क्षेत्र में भी चाहिए कि जिससे कि हमारे दिव्यांगों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन आ सके। और योगी जी की तरफ कहना चाहूंगा 4% कोटा हमको सरकारी नौकरी में और 4% कोटा तो है, हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई जिंदगी में उनकी में मूलभूत परिवर्तन नहीं हो रहा, तो 4% कोटा निजी क्षेत्र में, 4% कोटा हमारा और राजनीति में चाहिए। तो कभी आप भी जैसे विकलांग हैं तो आपने ट्राई साइकिल के लिए जो इलेक्ट्रिक वाली थी कुछ कोशिश की? देखो, मैं ट्राई साइकिल के बारे में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। हमने प्रशासन से, योगी जी से कहता हूँ, हमको ट्राई साइकिल बैसाखी में, स्वयं अपनी बैसाखी से चलता हूँ, सरकार से कोई हेल्प नहीं लेता, ये सारी खत्म कर दीजिए, हमें केवल रोजगार दे दीजिए। हमें अगर आप रोजगार दे दोगे तो हम ये सारी चीज खुद खरीद लेंगे, जो आप जितना अरबों खरबों का बजट हमारे ट्राई साइकिल बैसाखी व्हील चेयर देने पे बनाते हो, ये सब खत्म कर दीजिए, हमारा उस पैसा को हमें रोजगार देने के लिए लगाइए। तो अभी कुछ समाज सेवक भी है, उनसे भी बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर के उनके समर्थन पे आ उतरे। बताइए भाई साहब, क्या परिचय है? हम सर्व समाज विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश राम है। मित्रों, हम विकलांगों को लेकर के इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, विकलांगों की आर्थिक समस्याएं, न राशन कार्ड है, न आवास है, न पेंशन है, शौचालय, 500 रुपया पेंशन में किसी विकलांग का महीने भर का खर्च उठ सकता है, लेकिन विकलांग रोने को मजबूर है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। यह प्रदेश सरकार केवल जो है झुंझुना थमा करके कि हम जो विकलांगों के दिव्यांग बना करके हम उनका अधिकार देंगे, उनका मैं परोपकार करूंगा, लेकिन यह सरकार जो निकम्मी सरकार है, इस चुनाव के अंदर जो 2019 के अंदर पूरे जो दिव्यांग सेना के या चाहे
जो भी समाज सेवी जन है हम लोग विरोध करेंगे। 2019 के चुनाव में सरकार को क्या उखाड़ने का भी काम करेगी दिव्यांग जन? बिल्कुल सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, हम लोग संकल्प लेकर के आए हैं। क्या कह रहे हैं? अगर हमारे अधिकारों पर खरा नहीं उतर रही है, जो हमको अधिकार जो 5 साल से लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं कि सबसे 5000 पेंशन हमारी उत्तर प्रदेश में की जाए विकलांगों की, और 4% कोटा हमारा निजी क्षेत्र में किया जाए, और 4% कोटा हमारा राजनीतिक क्षेत्र में किया जाए, अगर इन उम्मीदों पर हमारी पर खरी सरकार नहीं उतरती है तो हम इसका बिल्कुल उखाड़ने का काम करेंगे और बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। तो ये थे दिव्यांगजन जिन्होंने बताया कि जैसे कि उत्तम प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वो तभी बन पाएगा जब दिव्यांग जनों की समस्याएं हल होंगी। कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। जैसा कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब फरवरी में उन्होंने एक आदेश दिया था कि विकलांग जो है उनको मोटर ट्राई साइकिल मिलेगी इलेक्ट्रिक वाली, लेकिन कहीं भी बनारस के अलावा जहां के मोदी जो है सांसद है लेकिन फिर भी वहीं पे ही मिली थी, लेकिन किसी भी अन्य उत्तर प्रदेश के जिले में इस सुविधा को मुहैया नहीं कराया गया। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद। आपने हमारी खबर देखी। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और हमारे न्यूज़ को लाइक करिए। अगर आप हमारे फेसबुक पे हमारी खबर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगी, धन्यवाद।